शाही परिवारों की आबरू डॉट डॉट डॉट। त्रिका साहब लिखते हैं कि समय ढेरों सबक देता है मगर सीखता कोई कोई है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे इस्तांबुल के एक मामूली से अस्पताल में आखिरी दिन काटने होंगे। अपने समय में जब उसने एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता हथियाई थी, वह तब भी अपने अल्लाह की मार से डरा नहीं था। अब जब वह अंतिम सांसें स्वदेश में लेने के लिए बेचैन है, तो वह सरकार के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है कि उसे घर लौटने दिया जाए। जिस सरकार के सामने वह रहम की अर्जियां लगा रहा है, उसी सरकार के मुखिया नवाज शरीफ को उसने घर लौटने लायक नहीं छोड़ा था। ऐसी ही अनेक सत्य कथाएं हमारे इतिहास में बिखरी पड़ी हैं, मगर हम समय की इन चेतावनियों को सुनते कहाँ हैं। कभी टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी बेटी फातिमा बेगम के जेवरात ढोने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 6 बैलगाड़ियों की आवश्यकता पड़ी थी, मगर अब उसी सुल्तान का परिवार कलकत्ता के स्लम एरिया में रहने पर मजबूर है। टीपू की परपोत्री साहबजादी रहीमुन्निसा के पति साहिबजादा सैयद मंसूर अली को अब अपनी बीवी व टीपू के अन्य वंशजों के लिए गुजारा भत्ता पाने के आवेदन लेकर सरकारों के दरवाजों पर दस्तकें बिछानी पड़ रही हैं। इन परिवारों के कुछ सदस्य रिक्शा भी चलाते हैं या फिर कपड़ों की सिलाई का काम और साइकिलों के पंक्चर लगाने का काम करते हैं। कभी उसकी दौलत के बारे में विश्व भर के मीडिया में दिलचस्प किस्से फैलते रहते थे। कहा यही जाता था कि वह यानी कि निजाम हैदराबाद एक समय में विश्व का सबसे अमीर शासक था। 20वीं सदी के आरंभ में उसके पास लगभग 10 करोड़ पौंड के सोने व चांदी के भंडार थे। उसके जेवरात का मूल्य उन दिनों 40 करोड़ पौंड आंका गया था। उसकी अपनी राइटिंग टेबल पर रखे पेपरवेट में 185 कैरेट के डायमंड टंके हुए थे, जिसका मूल्य उन दिनों 20 करोड़ डॉलर आंका गया था। हैदराबाद का यह अंतिम निजाम उस्मान अली खान विश्व का सबसे धनी व्यक्ति होने के अलावा विश्व का सबसे बड़ा कंजूस भी माना जाता था, मगर लालची होने के अलावा वह ऐश्वर्य पसंद भी था। उसके हरम में 86 रखेलें बताई जाती थी, 86, जिनमें से 100 से भी अधिक संतानें थी, यानी उन 86 में से 100 से भी अधिक संतानें थी। लेकिन इन संतानों को कभी भी वैध नहीं माना गया, क्योंकि इन कथित 86 रखेलों में निजाम का विधिवत निकाह तो नहीं हुआ था, मगर इन्हीं के कारण उसकी संपत्ति के वैध अवैध दावेदार की संख्या 400 तक पहुंच चुकी है। मगर इनमें सबसे बदनसीब रहा उसका बेटा मुकर्रम जाह, जो इन दिनों इस्तांबुल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। वह बूढ़ा हो चुका है, मधुमेह से पीड़ित है और इंसुलिन के सहारे पर है। अब उसके पास अपना रुतबा बनाए रखने के लिए भी धन नहीं है। वह पुराने सामान धीरे धीरे बेचकर अपना खर्चा चला पाता है। यही स्थिति सुल्ताना बेगम की है। सुल्ताना बेगम भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के परपोत्र की बीवी है और अब वह अपने 6 सदस्यों वाले परिवार के गुजर औकात के लिए सरकार से मिलने वाली मामूली पेंशन पर निर्भर है। वर्ष 1980 में जफर के परपोत्र प्रिंस मिर्जा बद्र बख्त की मौत के बाद लाल किले वाली सुल्ताना गरीबी में घिर चुकी है। अब वह कोलकाता में 2 कमरों की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। उसे पड़ोसियों के साथ रसोई साझी करनी पड़ती है और सड़क के किनारे सरकारी नल पर वह अपने बर्तन धोती है। काफ़ी समय तक वह चाय का खोखा भी लगाती रही। कभी लाल किले के मालिक रहे इस अंतिम सम्राट जफर की 6ठी पीढ़ी के वंशज को सरकार की ओर से 8,000 रुपये वार्षिक पेंशन मिलती रही। यही स्थिति अवध के शाही खानदान की शहजादी सकीना महल की है। कभी इस शाही खानदान के पास अथाह संपदा थी। पूरे केंद्रीय भारत में अवध के शहंशाहों का राज था। अब शहजादी सकीना महल दिल्ली के मालचा महल के खंडरों में रहने पर मजबूर है। लगभग 9 वर्ष तक इस शहजादी को गुजारे भत्ते के लिए अदालतों में भटकना पड़ा। तब जाकर 500 रुपये महीने का गुजारा भत्ता
और मालचा महल के खंडरों के एक हिस्से में रहने के लिए जगह मिली। दो बरस पहले सितंबर 2020 में नवाब वाजिद अली शाह के परपुत्र कादिर मिर्जा का कोलकाता की ही एक मंजिला इमारत के एक हिस्से में अंत हुआ, तो पता चला कि नवाबी खानदान का यह बशर किसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा, मगर कोविड-19 के प्रकोप में पूरा परिवार गिर गया और उसे किसी ने नहीं संभाला, न ही AMU ने और न ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने। मगर जब तक वह जीवित रहा पूरी अकड़ के साथ रहा। ऐसे ही अनेक दुखद अध्यायों से अटे पड़े हैं इतिहास के पन्ने, मगर कोई इन अध्यायों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं होता। तो ये थे शाही परिवार की आबरू के दस्तावेज डॉट डॉट डॉट, जिसे हमेशा की तरह मैंने चुराया है डॉक्टर चंद्रप्रिया साहब की कलम से। बाइज्जत शुक्रिया।